रुपए बैठे तीन नाम देखिए, मैं आपको आपके पास जितना सच है वो बताइए जिससे कि हम जान सकें। आपकी उस बात का जवाब दूंगा, लेकिन अभी बात चल रही थी, खालिद साहब बता रहे थे कि हमें अपने बच्चों के लिए अच्छी तालीम देनी है। देखिए आज मैं जहाँ रहता हूँ बहुत सी प्रॉब्लम इतनी बढ़िया है और अजीबोगरीब है। हम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, बहुत अच्छा प्रोफेसर बनाते हैं, लेकिन हम अच्छा इंसान बनाने की कोशिश नहीं करते। जैसे आपने कहा, अभी भी एक बात आई थी निकल के, हमारे उस्ताद ने कहा था कि कोई अधिकारी अगर मुसलमान होगा तो ज़रा उससे हेल्प मिलेगी मुसलमानों को। मैं इस पर बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। मैं ये चाहता हूँ मुसलमानों की मदद होनी चाहिए, लेकिन मेरे बेटे के जरिए ना हो, इनका बेटा करे। देखिए ऐसा ये पॉपुलर बिलीफ है, नहीं नहीं ये लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। नहीं ऐसा ही है, नहीं नहीं बिल्कुल। मैं आपको सुबह 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 दे दूंगा, इतने ऑफिसर मिल जाएंगे जो काम करना चाहे, लेकिन वो भी तो अपने बड़ों को देख रहे हैं कि वो भी नेताजी के सामने खड़े हैं, ऊपर से नीचे तक आवे। मैं सुबह देता हूँ। देखिए जैसे कि बकरों वाला मैटर आया, सर मैं जरा एक मिनट आपको रोक रहा हूँ आपकी बात की ताकीद में। सिर्फ मैं इस बात को चाहता हूँ कि आप इसमें ये जोड़ लें कि हमें किसी से मदद चाहिए भी नहीं, मुसलमान हो या गैर मुसलमान। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इनजस्टिस ना हो। एक कैसा अफसर आगे बैठे जो कम से कम इतना ईमानदार हो कि हमारे साथ या किसी और के साथ, देखिए साहब इनजस्टिस ना होने दे। हालात ये हैं, जो अधिकारी आता है, अधिकारी अपना वक्त अच्छा गुजारना चाहता है, लिपोती करता है, सिर्फ काम करना नहीं चाहता। मैं दावे के साथ कर रहा हूं, उसको अपना पीरियड बहुत शानदार गुजारना है, सर्विस मेंटेन करनी है। हां सिर्फ उसको पीरियड, वो ये कहता है कि मेरा वक्त गुजर जाए, बाकी बाद में मुद्दा बाद में उठाना, मगर मेरा वक्त गुजरने दो पहले। सही सर, इसी ये बड़ा वास्ट टॉपिक है, इस पे अलग से डिबेट रखें। देखिए मैंने आपसे ये कहा कि उन बकरे वालों के लिए, डॉक्टर साहब को मालूम है, मैंने 5 दिन प्रेस मीटिंग करी, 5 दिन, लेकिन कोई निकल के नहीं आया उन गरीबों के लिए। ये क्या वजह है? जब अलीगढ़ जैसी जगह पर लोग निकल के नहीं आएंगे तो कहाँ से निकल कर आएंगे? वजह क्या है कि लोगों के दिल में हमदर्दी नहीं रही, लोगों को दिल में ये नहीं रहा कि हम दूसरों की मदद करें। हमने अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं, हमने ये होना चाहिए बच्चों से ये काम, हमने बच्चों से ये काम, बेटा इन चक्करों मत पड़ना, ये सब बेकार की बात है। वो बड़ा हो गया, वही सीख गया, तो कहने नहीं बेकार की बात है, हम नहीं पढ़ना चाहते। नेतागिरी इतना गंदा काम समझा जाता है कि लोग नेताओं के बराबर में अपना घर बनाना पसंद नहीं करते, अपनी बेटी देना पसंद नहीं करते, हमारी बेटियाँ लेना पसंद नहीं करते कि नेताजी दूर रहिए। मैं जबकि ये कहता हूँ नेतागिरी एक वाहिद ऐसा जरिया है कि अगर इसको सही काम कर लो, ये आखिरत का बेहतरीन रास्ता बन सकता है, बेहतरीन रास्ता बन सकता है। ने कहा, लेकिन साथ लोग अल्लाह के अर्श के साथ होंगे, लेकिन नेतागिरी होनी चाहिए। अगर वो उसकी नियत साफ है, अगर नियत साफ है सर, इसको देखिए। मैं आपको बताऊं, मैंने एक हदीस सुनी, अल्लाह खुद कह रहे हैं कि मेरे बंदों पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करूंगा, जैसे आपने अभी फरमाया, लेकिन हम कर नहीं रहे। हम बहुत अच्छा डॉक्टर तो बनाते हैं, बहुत अच्छा बेटा नहीं बनाते। पढ़े लिखे रहते हैं माशाल्लाह, हर आदमी प्रोफेसर डॉक्टर यहाँ पर मिलता है ना, लेकिन इनके माँ बाप भी आज भी बेचारे यहाँ अकेली पड़ हुई है। जब तबीयत खराब हो जाती है तो मोहल्ले वाले दिखाने ले आते हैं। ये पूरा एक टॉपिक है, इस पर अलग से बहस करेंगे। रही भाई